question is express 2.36 bar plus 0.23 bar as a fraction in simplest form. अब देखो हमें जो टर्म गिवन है वो है 2.36 बार प्लस 0.23 बार. इस बार का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है. ठीक है, तो अब इसे हमें सॉल्व करना है. तो जब भी हमारे पास इस टाइप की फॉर्म आए तो हमें ऐसा नहीं करना कि आप इन दोनों को ऐसे ही ऐड कर दो. हमें इनको ऐसे ही ऐड नहीं करना है. पहले हम इनको सेपरेटली फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उन फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे. ठीक है, तो पहले हम इसे लेते हैं, लेट x 2.36. अब देखो इसमें हम कैसे करते हैं, 36 के ऊपर बाहर है, टू डिजिट पे बाहर है, तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x, तो 236.36 बार, राइट. मतलब जैसे ये है हमारे पास 2.36 के ऊपर बाहर है, तो 36 जो है वो रिपीट हो रहा है. अगर हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो जो डेसिमल है वो टू डिजिट राइट साइड पे चला जाएगा, तो 236.3636 का जो है कंटिन्यूशन होती रहेगी. तो मैंने इसे बाहर में लिख दिया है. अब हम क्या करेंगे, अब इन्हें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू वी गेट 100x माइनस एक्स 236.36 बार माइनस 2.36 बार. अब डेसिमल के बाद हमारे पास सेम नंबर्स हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ रहेगा हमारा 99x 236 माइनस 2 234. तो x कैन बी रिटन एज 234/99, यानी कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो 234/99 में कन्वर्ट हो गया है. अब हम सेकेंड वाला जो है वैल्यू वो सॉल्व करते हैं. तो इसे हम सपोज कर लेते हैं y 0.23 बार. अगेन इसे भी हमें 100 से ही मल्टीप्लाई करना है. तो जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है 23 के बाद चला जाएगा, तो 23.23 बार, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4. सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4 वी गेट 100y माइनस y 23.23 बार माइनस 0.23. डेसिमल के बाद फिर से सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो 99y इज इक्वल टू 23 माइनस 0, तो मींस यहाँ पे 23 हमारे पास बचेगा. तो y की वैल्यू जो है वो 23/99 आ गई है. अब जो गिवन एक्सप्रेशन था वो इन दोनों का सम था, 2.36 बार प्लस 0.23 बार, मींस दिस इज इक्वल टू x प्लस y. x की वैल्यू है 234/99 और y की वैल्यू है 23/99. तो एलसीएम लेंगे 99, ऊपर दोनों नंबर ही ऐड हो जाएंगे हमारे पास, एंड दिस विल बी इक्वल टू 257/99. तो दिस इज आवर आंसर. इनको ऐड करने पर हमारे पास ये फ्रैक्शन आ जाएगा. Thank you.